Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. मैं हूं पूजा लूथरा. दोस्तों आज बात करने वाली हूं डायबिटीज, मधुमेह या शुगर की बीमारी के बारे में. शुगर की बीमारी आज हमारे देश में हर 3 में से एक व्यक्ति को है. एंड ये बहुत दुख की बात है कि ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है. बहुत ज्यादा लोग शुगर की चपेट में आते जा रहे हैं. शुगर या हाइपरटेंशन या हाई बीपी की प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, ये सब ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं. अगर अपने लाइफस्टाइल में, अगर अपने खान पान में थोड़ा सा भी बदलाव किया जाए ना, तो हम इन बीमारियों पर विजय पा सकते हैं. बशर्ते कि जब ये बीमारियां हमारे शरीर पर दस्तक दें, नॉक करें, तभी हम अलर्ट हो जाएं और अपने लाइफस्टाइल में थोड़े से चेंजेस कर लें. एज आई टोल्ड यू, आज का वीडियो है डायबिटीज यानी शुगर के बारे में. 5 से 6 लाइफस्टाइल चेंजेस आपको बता रही हूँ. अगर आप ये कर लोगे ना, तो एक हफ्ते में आपकी शुगर नॉर्मल आ सकती है. प्री डायबिटिक हो तो कभी डायबिटीज की स्टेट पर नहीं पहुंचोगे. सिर्फ ये जो लाइफस्टाइल चेंजेस मैं आपको बता रही हूँ, ये अगर आप कर लोगे तो. बहुत ही सिंपल सिंपल छोटे छोटे चेंजेस हैं जो अपने डेली रूटीन में आपको करने हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो. फर्स्ट लाइफस्टाइल चेंज जो आपको करना है ना, वो है आपको अपना आटा बदलना है. जी हाँ दोस्तों, मोस्टली लोग हमारे देश में गेहूं की बनी रोटी खाते हैं. 3 टाइम गेहूं की बनी रोटी खाते हैं. गेहूं का ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी हाई होता है, जिससे कि आपने देखा होगा खाना खाने के बाद एकदम से ब्लड शुगर लेवल स्पाइक अप होता है. तो कैसे आटे की रोटी खानी है, चलिए देख लीजिए. पहले आपको 2 पार्ट गेहूं का आटा लेना है. यहाँ मैं 1 कप गेहूं का आटा ले रही हूँ. इसमें आपको मिलाना है 1 पार्ट चने का आटा, यानी कि इसका हाफ कप चने का आटा मैं इसमें डाल रही हूँ. एंड 3rd इंग्रेडिएंट है जौ का आटा, ये भी आपको 1/2 कप डालना है, यानी कि 1 पार्ट डालना है. और इसमें आपको ऐड करना है 1/4 चम्मच दालचीनी पाउडर का. दालचीनी बहुत अच्छी होती है आपके ब्लड शुगर लेवल को स्टेबलाइज करने के लिए. इन सब चीजों को मिक्स कीजिए, पानी में आटा गूंद लीजिए. डायबिटीज कंट्रोल आटा बहुत काम आएगा आपके. अगर आप इससे बनी रोटी खाएंगे तो एकदम से ब्लड शुगर लेवल हाई नहीं होगा, क्योंकि इस आटे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी लो है. दूसरी चीज जो आपको अपनी डाइट में ऐड करनी है, वो है पुदीने, धनिये और करी पत्ता की चटनी. जी हाँ, 3 मील्स में, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, तीनों में पुदीना, धनिया और करी पत्ते की चटनी आपने खानी है. इसमें आप थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा लहसुन भी डाल लीजिए, थोड़ा प्याज डाल लीजिए. इस तरह से चटनी बनाइए. इस चटनी का 1 चम्मच आप जरूर जरूर खाइएगा 3 मील्स के साथ. ये भी आपके ब्लड शुगर लेवल को स्टेबलाइज रखेगी. अगर आप प्री डायबिटिक स्टेज में हैं, यानी कि कोई दवाई नहीं ले रहे हैं अभी डायबिटीज की, या फिर अगर आप डायबिटिक हैं और दवाई भी ले रहे हैं, इंसुलिन की दवाई ले रहे हैं या इंजेक्शन ले रहे हैं, तो भी आपको एक नेचुरल आयुर्वेदिक डायबिटिक सप्लीमेंट जरूर ऐड करना चाहिए अपनी डाइट में, जो कि नेचुरली आपको अंदर से हील करता रहे. ऐसा ही एक सप्लीमेंट है सुनोवा डायबिटिक केयर. ये आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को तो स्टेबलाइज करता ही है, साथ ही साथ आपकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, पेनक्रियास की फंक्शनिंग को सुधारता है, साथ ही साथ बी सेल रीजेनरेशन में हेल्प करता है. बी सेल्स वो होते हैं जो कि इंसुलिन के सिक्रीशन में हेल्प करते हैं. तो बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है ये. इसके इंग्रेडिएंट्स भी मैं आपको बता देती हूँ. इसमें है फेन्युग्रीक, यानी कि मेथी दाना. मेथी दाना आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को स्टेबलाइज करता है, साथ ही साथ इसमें बहुत सारा फाइबर होता है. हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी ये कंट्रोल करता है. इसका 2nd इंग्रेडिएंट है गुड़मार. इसे गुड़मार भी कहा जाता है, मधुनाशिनी भी कहा जाता है. एंड आयुर्वेदा में इसे वरदान माना गया है डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए. एंड 3rd इंग्रेडिएंट है दारू हरिद्रा. ये एक तरह की हल्दी होती है जो डायबिटीज के आफ्टर इफेक्ट्स को कम करती है. जैसे डायबिटीज होने के बाद कई लोगों को आईज से धुंधला दिखने लगता है, या पैरों की स्किन खराब होने लगती है, जख्म जल्दी से भरते नहीं है और इन्फ्लेमेशन रहती है बॉडी पर, तो दारू हरिद्रा उन आफ्टर इफेक्ट्स को कम करती है. तो बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है ये उन लोगों के लिए जो कि डायबिटीज से पीड़ित हैं या फिर प्री डायबिटिक स्टेज पर हैं, जिनकी अभी दवाई शुरू नहीं हुई है. तो अगर आप इसे कंज्यूम करेंगे तो डायबिटीज की आपकी प्रॉब्लम आगे नहीं बढ़ेगी. इस जार में है 60 वेज कैप्सूल्स एंड 2 कैप्सूल्स आपको डेली लेने हैं.
एक कैप्सूल आप नाश्ते के बाद ले सकते हैं और एक कैप्सूल आप रात को खाना खाने के बाद ले सकते हैं। तो दो कैप्सूल डेली लेने हैं पानी के साथ। ये नेचुरली आपके पैनक्रियाज की फंक्शनिंग को सुधार करके इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाएगा, इंसुलिन सही तरीके से सिक्रीट होगा जिससे आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहेगा, बहुत जल्दी जल्दी ब्लड शुगर स्पाइक अप्स नहीं होंगे आपके। सुनोवा डायबिटिक केयर आपको मिल जाएगा सुनोवा की वेबसाइट पर, साथ ही साथ Amazon और Flipkart पर भी अवेलेबल है। लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, तो उन लिंक्स पर क्लिक करके आप इसे अपने लिए खरीद सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, एंड नेक्स्ट टिप इज ग्रीन टी। जी हाँ, ग्रीन टी बहुत बहुत जरूरी है अगर आप डायबिटीज से जूझ रहे हैं या फिर प्री डायबिटिक स्टेज पर हैं। ग्रीन टी आपके मेटाबॉलिक रेट को भी हाई करती है, साथ ही साथ ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी जल्दी स्पाइक अप होने से रोकती है, तो दिन में कम एक बार ग्रीन टी का सेवन जरूर कीजिए। एंड नेक्स्ट थिंग जो आपको करनी है वो है अपने वेट पर कंट्रोल करना है। अगर आप ओवरवेट हैं तो अपने वेट पर कंट्रोल कीजिए। वेट कंट्रोल होगा तो डायबिटीज की बीमारी भी अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। इसको आप एक एग्जांपल के माध्यम से भी समझ सकते हैं। सपोज पहले आप 50 केजी के थे, आपका पैनक्रियाज जितनी कार्ब्स आप कंज्यूम करते थे उसके हिसाब से इंसुलिन बनाता था। अब आज आप 70 केजी के हो गए हो, आपके बॉडी के सेल्स बढ़ गए हैं, लेकिन आपका पैनक्रियाज उसकी कैपेसिटी उतनी ही है, वो उतनी ही इंसुलिन सिक्रीट कर सकता है। तो इसलिए बढ़ा हुआ मोटापा भी कई बार डायबिटीज का कारण बनता है। अब इंसुलिन क्योंकि कम बन रहा है आपके बॉडी सेल्स के हिसाब से, तो क्या होगा, ब्लड शुगर लेवल अपने आप स्पाइक अप होगा ना। तो इसलिए अगर आप मोटापे को कंट्रोल कर लेंगे तो आपके पैनक्रियाज पर कम लोड पड़ेगा और जितना इंसुलिन वो बनाएगा उतना पर्याप्त होगा आपकी बॉडी के लिए। तो इसलिए मोटापे पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, और उसके लिए बेस्ट टिप ये है कि सुबह उठकर अनुलोम विलोम और कपालभाति करें, और ये दोनों प्राणायाम आपके डायबिटीज को भी कंट्रोल करते हैं, आपके मोटापे को भी कंट्रोल करते हैं। और खाना खाने के आधे घंटे के बाद कम से कम 15 मिनट की वॉक जरूर करें। नाश्ते के आधे घंटे के बाद 15 मिनट की वॉक, लंच के आधे घंटे के बाद 15 मिनट की वॉक, चाहे घर पर ही चक्कर लगा लें, धूप होती है बाहर, और रात को डिनर के आधे घंटे के बाद 15 मिनट की वॉक। अगर आप ये भी कर लेते हो ना तो डेफिनेटली आपका वेट भी कंट्रोल आएगा, डायबिटीज मैनेजमेंट में बहुत बहुत हेल्प मिलेगी आपको। और एक लास्ट टिप मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो ये है कि जिनको भी डायबिटीज है या प्री डायबिटिक स्टेज पे है, वो रात को सोने से पहले एक ग्लास गर्म पानी के साथ आंवला पाउडर जरूर लेकर के सोएं। ये आपकी गट हेल्थ को सुधारेगा, मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाएगा और ब्लड शुगर को बहुत जल्दी जल्दी स्पाइक अप नहीं होने देगा। एक चम्मच आंवला पाउडर गर्म पानी के साथ जरूर जरूर लें। तो ये 5-6 टिप्स जो मैंने आपको बताई हैं, उनको आपने जरूर जरूर फॉलो करना है। आपको गेहूं, चने का आटा, जौ का आटा ये मिला करके रोटी बनानी है, चटनी जरूर लेनी है अपने तीनों मील्स में, सुनोवा डायबिटिक केयर लीजिए, विद इन 30 डेज आपको बहुत अच्छे नतीजे मिलेंगे। इसके अलावा ग्रीन टी दिन में एक बार जरूर पीनी है, मोटापे पे कंट्रोल करना है, स्ट्रेस पे कंट्रोल करना है, और साथ ही साथ आपको योगा या प्राणायाम जरूर जरूर अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड करना है। तो ये 5-6 चीजें कीजिए, डेफिनेटली एक हफ्ते में आपको रिजल्ट्स दिखेंगे। आपको डायबिटीज की वजह से जो प्रॉब्लम्स होती जा रही थी, जो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जा रही थी, वो कम हो जाएंगी, और साथ ही साथ ब्लड शुगर लेवल तो स्टेबलाइज होगा ही। तो ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप ये आपको मदद करेगा डायबिटीज को कंट्रोल करने में, उसको मेंटेन करने में। तो प्लीज हिट द लाइक बटन, थम्स अप का बटन नीचे, उसे जरूर जरूर दबा दीजिएगा अगर अभी तक नहीं दबाया है तो, क्योंकि इसी से मुझे मिलती है ढेर सारी इंस्पिरेशन आप लोगों के लिए नए नए वीडियोस लाने की। और अगर आपने ऑलरेडी लाइक कर दिया है वीडियो को तो आपको मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ऐसी ऐसी हेल्दी टिप्स पाने के लिए। मैं मिलूंगी आपसे एक और अच्छे से हेल्थ टिप या किसी ब्यूटी वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे ब्यूटीफुल।